Hey everyone, welcome to Super Fast Revision Series। यहाँ पर हम हर एक चैप्टर को सिर्फ 5 से 10 मिनट में सारे कंसेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारी थ्योरी को कवर करते हैं, जिसके बाद आप आपकी सारे क्वेश्चंस को, फॉर्मूलाज को लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जो अपने टाइम को यूटिलाइज करके मैथमेटिक्स में, जो उसका मेन रूल है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, उस पर फोकस करना चाहता है। उसके लिए है कि आप यहाँ से फॉर्मूले कंसेप्ट को रिवाइज करें और फिर उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करें और अपने पेपर में फतेह करके। तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम प्यार से कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। सबसे पहली चीज पर आते हैं बच्चों, इसके अंदर सबसे पहला आता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है कि हम जिस पाथ पर देख रहे हैं, जैसे कि मैं यहां पर खड़ा हूं और सामने कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, उस पर देख रहा हूं। मान लीजिए उसके टॉप पर देख रहा हूं, तो मेरी आंख से अगर उस टॉप तक की एक लाइन खींची जाए, जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसको और बेहतर तरीके से हमारी डेफिनेशंस और क्वेश्चंस में एक्सप्लेन है। जैसे कि एक जहाज है जो कि यहाँ पे लाइट हाउस पर, लाइट हाउस का मतलब क्या होता है, जो समुद्र के या फिर किसी भी बड़े से लेक के किनारे पर है ना, उसके किनारे पर बनाया जाता है, जिससे दूसरी शिप को सही तरीके से कहाँ पर उनको पार करना है, कहाँ पर जाना है, डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन को बताती है, जहाँ से बहुत ऊपर एक लाइट होता है। आपने बागी मूवी के अंदर ये देखा होगा, ठीक है। यहां से देखो, अब ये जहाज यहां से ऊपर देख सकता है या फिर यहां जो ऊपर लाइट है वहां पर जो बंदा है वो इस पे कर सकता है। तो ये जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, किस नजर से देख रहा है। जैसे कि मान लो ये एक स्कूल की बिल्डिंग है, बच्चा यहां से इसको ऊपर देख रहा है, तो ये हो गया उसका लाइन ऑफ साइट। आई थिंक ये काफी क्लियर होगा, ठीक है। अब बच्चों, मान लो कि हम ऊपर देख रहे हैं या नीचे देख रहे हैं, सीधी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, एक हमने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं नीचे दिख रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन से, ऐसे मैं सीधे देख रहा हूं हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे, अगर देख रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे, ये ऐसा नीचे देख रहा हूं, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा ना, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और अगर मैं ऊपर देख रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये ऊपर का, ये मेरी आंख का एंगल जो बना है, इसके बीच का जो एंगल है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इस चैप्टर में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और साथ में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल्स हैं, ठीक है, जो एंगल्स है उसकी वैल्यू पता होना चाहिए। बहुत आसानी से चैप्टर सॉल्व होता है। आई थिंक आपको लाइन ऑफ साइट, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ चुका होगा। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। क्या बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल ये लाइन है, इसके साथ 60 डिग्री बन रहा है, और ये बिल्डिंग से कितनी दूरी पर रखा है, 2.5 मीटर पर रखा है। हमको बताना है इस लैडर की हाइट, क्या रखा है लैडर, ऐसा लैडर, और ये हॉरिजॉन्टल मतलब ये कितना है, 2.5, और एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ये रहा लैडर। हमको क्या निकालना है, लैडर की हाइट, तो भाई ये रहा बेस, ये रहा हाइपोटेनियस, तो कॉस थीटा लगाया बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस हमारा 2.5 बाय हाइपोटेनियस एसी। हाइपोटेनियस किसका काम कर रहा है, लैडर का, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व करा, 1 बाय 2 cos 60 इज 1 बाय 2 इक्वल टू 2.5 बाय एसी। एसी की वैल्यू यहां से आ गई है 5 मीटर। आई थिंक आपको क्लियर होगा। अपन आगे चलते हैं बच्चों। पिछले साल इस पर क्वेश्चन आया था, एक एमसीक्यू आया था कि लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा गया था। तो आप थोड़ा सा क्लियरली इसकी डेफिनेशन को रीड करें, एक बार पॉज करके इसको रीड करें। अगला, एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लीजिए मैं यहाँ पे सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे मैंने जितना एंगल ऊपर घुमा, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर घुमा, तो ये एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल जो नीचे वाला है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट ज्वाइनिंग एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू एन एलिवेटेड ऑब्जेक्ट, एलिवेटेड मतलब ऊपर वाला ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन पढ़ेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वाटर टैंक फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, फुट ऑफ द टॉवर से कितना है, 30 मीटर है, और बोला है उसने ये एंगल बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का, ठीक। फाइंड द हाइट, इसकी हाइट निकालना है। भाई
अगर तुमने डायग्राम बना लिया तो हो जाएगा, ये थीटा, ये इसके सामने वाला एंगल, परपेंडिकुलर और बेस, सीधे टेन थीटा लगाओ, टेन थर्टी परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थर्टी लगाया, वन बाय रूट थ्री इक्वल टू ए बी बाय थर्टी यानी बी सी, ठीक है। तो हमारे यहाँ से आंसर आ गया, हाइट कितना आ गया, टेन रूट थ्री। आई थिंक ये आसान है, आपको काफ़ी बेटर लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अपन ने समझा है ये सीधी लाइन है, नीचे देखा तो कितना नीचे देखा, ये वाला एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या लिखा है हमारा, एक हम ऊपर हैं किसी बिल्डिंग पर, सपोज द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ पॉइंट ए इज 45 डिग्री। नीचे एक पॉइंट है उस पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 45। ये 45, ये जेड बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 45। एंड द हाइट ऑफ टावर इज 10, ये कितना है, 10 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द बिल्डिंग, ये डिस्टेंस हमको उसको निकाल के देना है। ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, बिल्डिंग कितनी बड़ी है, 10 मीटर, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से हमारा क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ बेस कितना आ जाएगा, 10 मीटर। तो बच्चों इसी के साथ हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म होता है, और अगर आप इसके बाद प्रैक्टिस करते हैं या फिर अगर एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको ये सारे फॉर्मूले कंसेप्ट वहाँ पर क्लिक करेंगे। तो बच्चों बहुत अच्छे से तैयारी करो, खूब पढ़ो, फोड़ के आओ, बेस्ट ऑफ लक।